चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की इमारत का उद्घाटन किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की मौजूदगी में पीएम मोदी ने लोकसभा कक्ष में सेंगोल भी स्थापित किया। नई संसद के उद्घाटन के मौके पर जनता और जनप्रतिनिधियों को मोदी मंत्र भी मिला। देखिए विशेष रिपोर्ट। इस अमृत काल का आह्वान है मुक्त मातृभूमि को, मुक्त मातृभूमि को नवीन पान चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा, मुक्त गीत हो रहा, नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। ये पल इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो गया है। ये मौका सिर्फ नए संसद के उद्घाटन का ही नहीं था, बल्कि कर्तव्य, सेवा और राष्ट्रपथ के प्रतीक सेंगोल की लोकसभा के कक्ष में स्थापना का भी था। प्राचीन भारत के महान चोल साम्राज्य की शासन प्रणाली का प्रतीक सेंगोल, जो आजादी के बाद अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक भी बना। मैं मानता हूं ये हमारा सौभाग्य है कि इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके हैं, उसकी मान मर्यादा लौटा सके हैं। जब भी इस संसद भवन में कार्यवाही शुरू होगी, ये सेंगोल हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा। इस ऐतिहासिक मौके पर पीएम मोदी ने देश की जनता और जनप्रतिनिधियों को नए संसद भवन से संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरव से भरा है। इस भवन में विरासत भी है, वास्तु भी है, कला भी है, कौशल भी है, संस्कृति भी है और संविधान के स्वर भी हैं। नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरव से भरा हुआ है। इस भवन में विरासत भी है, वास्तु भी है, इसमें कला भी है, कौशल भी है, इसमें संस्कृति भी है और संविधान के स्वर भी है। पीएम मोदी ने जनप्रतिनिधियों से भी बड़ी उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर नेशन फर्स्ट की भावना से काम करना है। मुझे विश्वास है इस संसद में जो जनप्रतिनिधि बैठेंगे वे नई प्रेरणा के साथ लोकतंत्र को नई दिशा देने का प्रयास करेंगे। हमें नेशन फर्स्ट की भावना से आगे बढ़ना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के विकसित होने का संकल्प कई देशों के लिए संबल बनेगा, ऐसे में भारत की जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है। उन्होंने कहा कि सफलता की पहली शर्त है सफल होने का विश्वास होना। भारत का विकसित होने का संकल्प कई और देशों का संबल बनेगा, इसलिए भारत की जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है। और साथियों, सफलता की पहली शर्त, सफल होने का विश्वास ही होती है। उन्होंने इस मौके पर सबसे बड़ा मंत्र भी दिया।
पीएम मोदी ने कहा कि जो रुक जाता है उसका भाग्य भी रुक जाता है और जो चलता रहता है उसका भाग्य बढ़ता रहता है, इसलिए चलते रहो। जो रुक जाता है उसका भाग्य भी रुक जाता है, लेकिन जो चलता रहता है उसी का भाग्य आगे बढ़ता है, बुलंदियों को छूता है। और इसलिए चलते रहो, चलते रहो। ये नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि को देखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ नए संसद भवन के लोकार्पण और सिंगुल स्थापना का दायित्व पूरा कर दिया। पूरा देश ऐतिहासिक पल का साक्षी बना। हालांकि कांग्रेस समेत करीब 19 विपक्षी दलों ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया था, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने बहिष्कार के साथ साथ कुछ ऐसा किया जिसकी निंदा की जा रही है। जी हां, आरजेडी ने नए संसद भवन की तुलना ताबूत से कर दी। बीजेपी ने आरजेडी के इस कदम को शर्मनाक और देश के सम्मान से खिलवाड़ बताया है। शरीर पर केसरिया वस्त्र, माथे पर त्रिपुण चंदन और गले में शैव परंपरा से जुड़ी मालाएं, इस वेशभूषा और सांस्कृतिक परंपरा के समेटे संतों ने नए संसद भवन के परिसर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा की। ये लम्हा सत्ता और संस्कृति के संगम का उदाहरण बन गया। हवन और पूजा के बाद पीएम मोदी संतों के साथ सैंगोल लेकर सदन में पहुंचे। निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन की प्रेरणा और प्रतीक के तौर पर सैंगोल को पीएम मोदी ने तय स्थान पर स्थापित कर दिया। पूरा देश इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बना, लेकिन कांग्रेस सहित 19 विपक्षी दल इस भव्य और ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनने के लिए नहीं आए। उन्होंने इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। बात सिर्फ बहिष्कार तक ही सीमित नहीं रही। विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट के जरिए नए संसद की तुलना ताबूत से कर डाली। आरजेडी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से नए संसद भवन की तस्वीर के साथ ताबूत की तस्वीर पोस्ट की गई और सवाल पूछा गया कि ये क्या है। आरजेडी अपने इस ट्वीट को लेकर खूब ट्रोल भी हो रही है। लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नाराज बीजेपी है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इसे बेहद शर्मनाक बताया और ट्वीट किया कि घोटालेबाजों की पार्टी आरजेडी ने आखिर आज अपना भविष्य बता दिया। बीजेपी ने आरजेडी के इस कदम को देश के सम्मान पर आघात बताया। पार्टी का कहना है कि ऐसा बोलना और सोचना लोकतंत्र की छाती में जख्म देने के बराबर है। जन जन गौरवान्वित है जिस नई संसद में हम सभी भारतीयों की आत्मा बसती है, उस संसद को तुलना ताबूत से करना, इसका मतलब है कि इनकी अकल मारी गई है और अब जनता इनको सबक सिखाएगी। 2024 में लोकसभा चुनाव में निसंदेह रूप से बहुत आपत्तिजनक है। नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक हर दृष्टि से ये आपत्तिजनक है। आरजेडी के ताबूत वाले ट्वीट पर कांग्रेस पुराना राग अलाप रही है। कांग्रेस का कहना है कि सभी सियासी दल अलग अलग तरीके से अपना विरोध जता रहे हैं। लोकतंत्र के मंदिर नई संसद के उद्घाटन में जिस तरह से राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दूर रखा गया, ये बेहद निंदनीय है। ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी दलित आदिवासी वर्ग को अछूत मानती है, इसलिए आदिवासी वर्ग की राष्ट्र प्रमुख तक को नए संसद के उद्घाटन से दूर रखा गया। इस मामले में विभिन्न राजनीतिक दलों का अपने अपने तरीके से विरोध दर्ज करवाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है कि नई संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति जी द्वारा ही होना था। भले ही विवादित ट्वीट पर आरजेडी को कांग्रेस का साथ मिल गया हो, लेकिन कुछ विरोधी भी आरजेडी के इस बयान से नाराज हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आरजेडी का कोई स्टैंड नहीं, वो कुछ भी कह सकते थे, लेकिन संसद को ताबूत क्यों कह रहे हैं।
बहरहाल विपक्षी दलों को सोचना चाहिए कि बहिष्कार और विरोध की राजनीति में भारत के संसद की तुलना ताबूत से करना कितना सही है। आखिर अब यही संसद है जहां जाने के लिए विपक्षी दल भी चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 भोपाल। नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरव से भरा है। जैसा कि पीएम मोदी ने कहा, इसमें संस्कृति भी है और संविधान के स्वर भी। लेकिन कई विपक्षी दलों ने इस ऐतिहासिक मौके का भागीदार बनने के बजाय बहिष्कार का रास्ता चुना। सवाल यह है कि इससे हासिल क्या हो गया? आज 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व का पर्व है, जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर की ग्रैंड ओपनिंग हुई। भारत के गणतंत्र की शान में चार चांद लगाने वाले इस भवन की खूबसूरती, जो आजाद भारत के आन बान और शान का प्रतीक है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने देश को समर्पित कर दिया। ये मौका दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक है। भले ही इच्छा किसी और सरकार ने जताई हो, लेकिन उसे पूरा मोदी सरकार ने किया। लेकिन आजादी के 70 साल बाद साकार सपनों से अलग इस भवन पर भी विपक्ष हमलावर है। किसी को इस भवन के डिजाइन से दिक्कत है, तो कोई भारत के समृद्ध गौरव के प्रतीक सेंगोल पर सवाल खड़े कर रहा है, मानो मोदी ने इसे अपने घर में लगाया हो। नया संसद भवन भारत की गौरवशाली परंपराओं और संवैधानिक मूल्यों को और अधिक समृद्ध करने का कार्य करेगा, लेकिन जिस तरह भवन से लेकर सेंगोल पर सियासी बयानबाजी हो रही है, उस पर अब बीजेपी के साथ ही कुछ विपक्षी नेता भी हमलावर हैं। संसद भवन देश को प्रधानमंत्री जी ने समर्पित किया, लेकिन विपक्षी दल अपनी ओछी राजनीति कर रहे हैं। जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं, देश उनको कभी क्षमा करने वाला नहीं। राष्ट्रीय जनता दल ने जिस तरह से संसद भवन की तस्वीर के साथ ताबूत की फोटो लगाकर देश का अपमान करने का काम किया, संसद का अपमान करने का काम किया। ताबूत क्यों कह रहे हैं? वो किसी और मिसाल दे सकते थे ना, और मिसाल दो, उसमें भी आप ये एंगल लाते हैं तो वो क्या क्या बोलते हैं। कभी सेक्युलर बोलते हैं, तो कभी फिर बीजेपी से निकला हुआ नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री बना लेते हैं, तो वो उनका छोड़िए, उनका तो चलते रहे। यानी रिकॉर्ड वक्त में बनकर तैयार नए संसद भवन पर 20 विपक्षी दलों को छोड़ तमाम देशवासियों को गर्व है। वो आज के दिन को पर्व के तौर पर मना रहे हैं, लेकिन कुछ जातिवादी, धर्मवादी, परिवारवादी सोच वाले नेता इस आयोजन पर ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं, मानो लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन उनकी सियासी विघटन की परिकल्पना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।